फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? फेस्टिवल का सीज़न आ गया है और बिना मिठाई के तो काम चलने नहीं वाला हमारा, और इस टाइम पे हम बाहर से मिठाई नहीं खरीदना चाहते हैं, राइट? तो मैं लेके आ गई हूँ आप लोगों के लिए झटपट कलाकंद की रेसिपी। ये बहुत ही इजी है बनाने में और बहुत ही जल्दी बनती है और खाने में उतनी ही डिलीशियस और स्वादिष्ट है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको कि आप कैसे इजीली घर पे कलाकंद बना सकते हैं। और आप जब ये रेसिपी देखेंगे गाइस, तो आपको लगेगा कि हम बाहर से क्यों खरीदते थे। एक्चुअली ये बहुत इजी है और बाज़ार से ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर रेसिपी। कलाकंद बनाने के लिए आपको चाहिए पनीर और मावा। तो यहाँ पर मैं पनीर 120 ग्राम ले रही हूँ और मावा 100 ग्राम, मतलब पनीर थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए मावा से और खोया से। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में 2 टेबल स्पून के करीब मिल्क डाला है और इसमें मैंने यहाँ पर थोड़ा सा केसर डाल दिया है, जिससे देखने में बहुत ही अच्छा लगता है और टेस्ट भी अच्छा आता है। तो यहाँ पर दूध का मेज़रमेंट गाइस कुछ है नहीं ऐसे परफेक्ट, क्योंकि अगर आपने मावा और पनीर घर का बनाया हुआ है तो वो थोड़ा सा गीला रहता है, और मैं जो यूज़ करी हूँ ये फ्रोज़न वाला है, तो फ्रोज़न वाले में ज़्यादा कड़क हो जाता है वो, तो मिल्क ज़्यादा डालना पड़ जाता है। तो आप वो देख लेना कि आपको बस स्मूथ टेक्सचर चाहिए, जैसे मैं अभी आपके दिखाऊंगी। अभी मैं यहाँ पर मावा ऐड कर रही हूँ मिल्क में, जो हल्का सा गुनगुना हुआ था जस्ट मिल्क, उसमें मैंने ये मावा डाला है, क्योंकि थोड़ा सा मिल्क जब गर्म हो जाता है हल्का सा तो उसमें केसर का अच्छे से कलर आ जाता है। उसके बाद आपको मावा ऐड करना है, तो केसर अपना कलर पूरा मिल्क में पहले छोड़ दे, उसके बाद मावा ऐड कीजिए। और मैंने यहाँ मावा ऐड कर लिया है और खोया। अब इसको हमें अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। देखिए, अब हमारा खोया काफ़ी अच्छे से गर्म हो गया है और वो सॉफ्ट हो गया है, एकदम पेस्ट बन गया है। अब इसको मैंने हल्का सा चलाने के बाद में अब मैं इसमें पनीर ऐड कर रही हूँ, और यहाँ पर पनीर भी मेरा घर का बनाया हुआ नहीं है, क्योंकि इतनी जल्दी में मैंने पनीर भी जो रखा हुआ था मेरे पास फ्रोज़न वाला वही यूज़ किया है। आप चाहें तो पनीर घर में भी बना सकते हैं, बहुत ही जल्दी और इजीली बन जाता है, लेकिन मेरे पास अभी पनीर रखा हुआ था और थोड़ा जल्दी में मिठाई बनाना था तो मैंने यही वाला यूज़ कर लिया है। ठीक है, खोया बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन पनीर आपको इसमें एकदम जमा हुआ नहीं चाहिए, जस्ट आपको पनीर चाहिए तो आप तुरंत ही बना सकते हैं। नहीं तो नॉर्मली पनीर बना के हमें उसको फ्रोज़न करना पड़ता है, फ्रोज़न तो नहीं, फ्रीज में रखना पड़ता है, या बाहर उसको रख दो ताकि उसका पानी अच्छे से निकल जाए, लेकिन आपको इसमें इतना ज़्यादा पनीर का पानी नहीं निकालना होता है, क्योंकि अल्टीमेटली हम उसको फ्राई करेंगे और उसका पानी उड़ जाएगा। तो आप इसमें तुरंत पनीर बना के भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं कर रही हूँ और इसमें मैंने 1 टेबल स्पून घी डाला है। आप चाहें तो बटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है घी का टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है बटर से, तो मैंने यहाँ पर घी यूज़ किया है। और अगर आपका मावा घर का बना हुआ है ना, तो उसमें ऑलरेडी इतना घी रहता है कि आपको अलग से मिलाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि ये फ्रोज़न है, और फ्रोज़न मतलब बाहर का है जो आता है नॉर्मली पैकेट में, तो इसमें उतना घी निकलता ही नहीं है। घर के मावे में तो बहुत अच्छे से घी आ जाता है, तो इसमें इतना घी नहीं निकला था तो मैंने ऐड किया है, क्योंकि घी मिलाने से काफ़ी अच्छा टेस्ट इन्हेंस होता है और साथ में सॉफ्ट भी बनते हैं हमारे कलाकंद। तो ये देखिए, मैंने इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लिया और हल्का सा फ्राई कर लिया है। और अगर आपको ऐसा लगे फ्राई करते टाइम कि बहुत ज़्यादा गाढ़ा टेक्सचर हो गया है, तो आप उसमें मिल्क हमेशा ऐड कर सकते हैं। और ये देखिए, अच्छे से फ्राई हो गया। मैंने इसको बंद कर दिया है, मिक्सर गैस को बंद कर दिया है अब, ताकि ये मिक्सर थोड़ा सा ठंडा हो जाए। अभी यहाँ पर मेरा मिक्सर ठंडा हो गया है, तो मैंने इसमें इलायची मिलाई है, और इसमें अब मिलाएंगे हम शक्कर, मतलब एकदम ठंडा नहीं हुआ है, हल्का सा वार्म है, ताकि अगर हम गर्म में ही शक्कर मिला देंगे तो वो मेल्ट हो जाएगा और पूरा लिक्विड ही हो जाएगा एकदम से। तो मैंने इसमें शक्कर थोड़ा ठंडा होने के बाद मिलाई है, और अगर इन केस आपने कभी शक्कर जल्दी मिला दी और वो उतना ठंडा नहीं हुआ था जितना होना चाहिए था, तो आप इसमें मिल्क पाउडर ऐड कर दीजिए, अगर इन केस आपके साथ ऐसा कुछ हुआ हो कि आप पहली बार ट्राई कर रहे हैं और आपने शक्कर थोड़े से गर्म में मिला दिया है, तो आप उसमें मिल्क पाउडर ऐड करेंगे तो आपका कंसिस्टेंसी बिल्कुल बराबर हो जाएगी
और साथ में टेस्ट में भी कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, जबकि अच्छा ही हो जाएगा क्योंकि मिल्क पाउडर का तो टेस्ट वैसे ही इतना अच्छा आता है। तो ये एक्स्ट्रा टिप है, अगर आप लोग फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं और कुछ मिस्टेक वगैरह हो जाती है तो आप ऐसा कर सकते हैं। और मिल्क केक भी ना हो आप मिल्क पाउडर सॉरी, अगर मिल्क पाउडर भी ना हो आपके पास में तो आप उसके जगह मैदा, उसको घी में रोस्ट कर लें अच्छे से, और उसके बाद 1 या 2 चम्मच मैदा मिलेगा मुश्किल से, और उसको मिला दें तो आपका ये जो ड्रुपी कंसिस्टेंसी होगी, अगर आपने शक्कर पहले से मिला दिया है गर्म में और फिर वो बहुत लिक्विडी हो जाता है उसके बाद वो जमता नहीं है, तो आप उसमें मैदा अच्छे से अलग से फ्राई करके घी में उसको हल्का सा मिला दें 1 या 2 चम्मच, तो अब भी आपकी मिठाई और कलाकंद बिल्कुल बराबर जम जाएगा और टेस्ट भी अच्छा आएगा। आई होप गाइज आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और हेल्पफुल लगा होगा। अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करना मत भूलिए, आप मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, और अपना ध्यान रखिए। हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू गाइज, टेक केयर, बाय बाय।